आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं। हालांकि ये वाला सवाल क्लास 10 का है, लेकिन अगर आप क्लास 9 में 8 में हैं तभी आपको ये वाला समीकरण काम करेगा, इसलिए आपको सीखना चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में एकदम बेसिक से बताऊंगा ताकि आप कठिन से कठिन सवालों को हल करके उसका आंसर निकाल पाए। दोस्तों हमने यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 सवाल लिया है, लेकिन इसके अलावा 2-3 सवाल हम लोग और लगाएंगे जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे पहला सवाल हमने लिया है x+y=14 और दूसरा है x-y=4। इस तरह से ये वाला है समीकरण 1 और ये वाला है 2। दोस्तों दोनों को हल करके x और y के मान निकालना होता है, ये आपको पता होगा, लेकिन इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। इसको हल करने का 2 तरीका होता है, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि। और दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। अब क्या ले जाना है उसको समझने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना होगा कि समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, इस तरह से। तो यहां समीकरण 1 है x+y=14। अब दोस्तों जैसे ही आप समीकरण 1 लिख लेते हैं तो वहां से आपको एक से वाई किसी एक का मान निकालना है जो आपको सिंपल लगे। अब दोस्तों मान निकालने से मतलब यह है कि अगर आप लिखेंगे x बराबर, तो x बराबर 14 हो जाएगा ये वाला, और ये वाला प्लस में वाई है, अगर आप इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में वाई। तो इस तरह से x का मान हो जाएगा 14-y। मान निकालने का मतलब हमने यहाँ ये बोला है, जो आपका आंसर है वो लास्ट में आएगा, लेकिन अभी सीधा सा बात यह है कि यहाँ पे आपको इस तरह से एक से वाई किसी एक का मान निकाल लेना है, तो हमने यहाँ पर x का मान निकाल लिया। अब दोस्तों करना यह है कि हमने यहाँ से x का मान निकाला है समीकरण 1 से, तो इस x का मान आप रखेंगे समीकरण 2 में। तो आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां समीकरण 2 है x-y=4, ये वाला समीकरण 2 है, और यहां पे हमने बोला है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि जहां पे x रहेगा वहां पे आपको 14-y रखना होगा। तो यहाँ पे x है तो x के स्थान पे मैं रखता हूँ 14-y, और ये वाला y अपने स्थान पे =4। इस तरह से यहाँ हो जाएगा -y-y, जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2y, क्योंकि एक छुपा होता है और आपको पता है कि माइनस माइनस जोड़ते हैं, तो -1-1 हो जाएगा -2y = ये वाला 4। और दोस्तों ये वाला इधर है प्लस में 14, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 14। इस तरह से अब यहाँ पे माइनस में 2y = यहाँ पे +4-14। आपको पता है कि प्लस माइनस घटता है और चिन्ह उसका लिखते हैं जो बड़ा होता है, तो यहाँ पे 14 में घटाएंगे 4, बचेगा 10, लेकिन दोस्तों माइनस वाला संख्या बड़ा है तो यहाँ चिन्ह रहेगा माइनस का। इस तरह से y = -10/-2, और माइनस माइनस प्लस, 2×5=10। इस तरह से y का मान आ गया 5। अब दोस्तों यहां से y का एग्जैक्ट मान निकल गया 5, अब चाहिए हम लोग को x का मान। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम लोग x का मान निकाल चुके हैं, कितना, x = 14-y। अब यहाँ पे y का मान मिल चुका है तो यहाँ पे y का मान रख देंगे, यानी कि 5 रख देंगे। जब 14 में घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इस तरह से x का मान निकल गया 9 और यहाँ पे y का मान निकल गया 5। यही आपका है प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आई होगी। अब दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा है, इसको अभी हल करके देखते हैं। एक बात यह है कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पे समीकरण 1 से x का मान निकाला था,
अगर आपको समीकरण दो सिंपल लगता है तो आप समीकरण दो से भी एक सिवाय किसी एक का मान निकाल करके समीकरण एक में रख सकते हैं। तो जो आपको सिंपल लगे उसी से आपको मान निकालना होता है। तो यहां पे मुझे सिंपल लग रहा है ये वाला, क्योंकि यहां पे आप लिखेंगे समीकरण एक से, जो समीकरण एक है एकदम सिंपल लग रहा है, यस माइनस टी बराबर थ्री। अगर यहां से यस का मान निकालेंगे तो यस बराबर हो जाएगा थ्री, और ये वाला माइनस में टी है, इधर आएगा तो प्लस में टी। तो इस तरह से यस का मान निकल गया थ्री प्लस में टी। अब दोस्तों हमने यहां से समीकरण एक से मान निकाला यस का, तो आप यस का मान रखेंगे समीकरण दो में, यानी कि आप लिखेंगे कि यस का मान समीकरण दो में रखने पर, यानी कि अगर आप यस का मान समीकरण एक से निकाले हैं तो आप उसका मान समीकरण दो में रखेंगे, अगर आप समीकरण दो से निकाले होते तो एक में रखे होते। तो इस तरह से यहां पर समीकरण दो है यस बट्टा तीन प्लस टी बट्टा दो बराबर छे। अब दोस्तों यहां पर यस का मान है थ्री प्लस टी, तो यहां मैं थ्री प्लस टी और बट्टा में तीन अपने स्थान पे, यानी कि यहाँ यस था और यस का मान थ्री प्लस टी है, तो हमने यस के स्थान पे थ्री प्लस टी रख दिया, प्लस से तो प्लस करेंगे, टी बट्टे दो बराबर छे। दोस्तों एक काम करेंगे कि हम लोग इसको पहले सिंपल बनाएंगे। सिंपल बनाने का मतलब यह है कि इसका गुणा यहाँ नीचे कर नीचे करेंगे, भिन्न के जोड़ तरह। तो क्या होगा, जब दो गुणा करेगा यहाँ पे तो हो जाएगा दो कोष्टक में थ्री प्लस में टी बट्टे में, इसका यहाँ करेंगे तो थ्री टी, यानी कि इसका हमने इधर, इसका इधर और नीचे का नीचे करेंगे तो तीन दूना छह हो जाएगा बराबर सिक्स। अब दोस्तों किसी भी कोष्टक के बाहर अगर कोई अंक होता है ना, तो वह अंक उस कोष्टक के अंदर सभी संख्याओं में गुणा करता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे टू गुणा करेगा थ्री में तो टू थ्री जा सिक्स होता है, प्लस जब टू गुणा करेगा टी में तो हो जाएगा टू टी प्लस में ये वाला थ्री टी, और दोस्तों ये वाला इधर है बटा में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा गुणा में, यानी कि जब छह गुणा करेगा छह में तो जाएगा छह छक्का 36। इस तरह से कितना हो जाएगा, थ्री टी और टू टी हो जाएगा फाइव टी, और दोस्तों 36 माइनस में सिक्स, यानी कि ये वाला प्लस था इसको लाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से फाइव टी बराबर हो जाएगी, 36 में घटेगा छह तो 30 बचेगा, और यहाँ पे t बराबर हो जाएगा 30 बट्टे में 5, यानी कि ये वाला 5 नीचे आएगा। तो इस तरह से 5 6 जा 30, यानी कि t का मान हो जाएगा 6। इस तरह से यहाँ पे हमने t का मान निकाल लिया। अब दोस्तों हम लोग को चाहिए यस का मान, और यहाँ पे हमने यस बराबर 3 प्लस t निकाला है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यस बराबर 3 प्लस t, और दोस्तों यहाँ पर टी का मान सिक्स निकल चुका है तो टी अपने स्थान पे, और यहाँ पे सिक्स रखेंगे तो थ्री और सिक्स जाएगी नाइन। इस तरह से यस की मान हो गई नाइन, और यहाँ पे टी की मान कितनी है, सिक्स है, टी बराबर सिक्स। इस तरह से आप यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हल करके एक्स और वाई का मान प्रतिस्थापन विधि से एकदम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा दो तीन सवाल और देखते हैं ताकि आपको एकदम आसान भाषा में समझ में आ सके। अब दोस्तों इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, यानी करड़ी वाला। बहुत लोग किसी भी सवाल में केवल करड़ी देख कर डर जाते हैं, यानी कि उनको लगता है कि हमसे ये वाला सवाल नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप इस सवाल को देख लेते हैं तो एकदम आसान तरीके से बनाना सीख जाएंगे। कुछ नहीं करना आपको, सेम टू सेम पहले की तरह लिखना है कि समीकरण एक से यहाँ पे समीकरण एक है, करड़ी में टू एक्स प्लस में करड़ी में थ्री वाई बराबर जीरो, और यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर ये वाला प्लस में करड़ी में थ्री वाई है, अगर आप इसको लाएंगे इस साइड तो हो जाएगा माइनस में करड़ी में थ्री वाई, और दोस्तों यहाँ पे गुणा में टू है नीचे आएगा तो करड़ी में हो जाएगा टू बट्टा में। इस तरह से यहाँ पे एक्स का मान निकल गया वाला, आप लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, यहाँ पे समीकरण दो है
करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। यहाँ पे x का मान निकल चुका है कितना, करड़ी में 3 बट्टे करड़ी में 2 और y इस तरह से, और दोस्तों माइनस में करड़ी में 8y बराबर 0। यहाँ पर जब करड़ी में 3 गुणा करें करड़ी में 3 से तो केवल 3 हो जाता है, ये आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि सिस्टम ये होता है कि अगर कोई भी संख्या अपने ही संख्या से करड़ी में 2 बार गुणा करता है तो उसका करड़ी खत्म हो जाता है, यानी केवल 7 बचेगा इस तरह से, क्योंकि 7 × 7 49 हो जाएगा और करड़ी में 49 का मान होता है 7, क्योंकि करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल, और दोस्तों वर्गमूल का मतलब होता है कि 7 × 7 2 बार लिखेंगे तो एक जोड़े का 1 बाहर निकलता है। तो इसी तरह से कुल मिलाकर बात यह होता है, अगर कोई भी संख्या अपने संख्या से करड़ी में 2 बार गुणा करता है तो उसका करड़ी खत्म हो जाता है। इस तरह से जब यहाँ 3 गुणा करेगा 3 में तो केवल 3 होगा, बट्टा में करड़ी में 2 रहेगा, माइनस में करड़ी में 8y बराबर 0, इसके बट्टा 1 मानता हूं तो क्या होगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर नीचे के नीचे करता हूँ। अब दोस्तों जब 1 गुणा करेगा 3 में तो हो जाएगा माइनस में 3y माइनस, यहाँ हो जाएगा 8 × 16 यानी करड़ी में 16 हो जाएगी, और दोस्तों आपको पता है करड़ी में 16 का बाहर 4 निकलता है क्योंकि 4 × 16 होता है, बट्टा में यहाँ पे जब करड़ी में 2 गुणा करेगा 1 में तो हो जाएगा करड़ी में 2 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर बट्टा में 2 है ना, अगर इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा गुणा में, अब दोस्तों जब ये वाला गुणा करेगा 0 से तो कुल मिलाकर 0 हो जाएगा। इस तरह से मैं कुल मिलाकर के इतना ही लिखता हूँ। अब यहाँ पे -3y और -4y, आपको पता है कि माइनस माइनस जोड़ते हैं तो हो जाएगा माइनस में 7y बराबर 0, यानी कि y बराबर 0 / -7, तो यहाँ पे y का मान हो जाएगा 0। अब जैसे ही y का मान 0 हो गया तो आप लिखेंगे कि y का मान x में रखने पर, यानी कि यहाँ पर x बराबर करड़ी में 3 / करड़ी में 2 है। अब दोस्तों एक काम करते हैं, गुणा में y है, अगर y का मान 0 निकल गया, अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो आपको पता है कि 0 कोई भी संख्या से गुणा करता है ना तो उसका मान 0 ही होता है, तो इस तरह से इसका मान भी 0 हो जाएगा और y का मान 0 पहले ही आ चुका है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 0 0, यानी कि x का मान 0 और y का मान 0। दोस्तों टाइम हो चुकी है लाइट कटने का, हो सकता है कट जाएगा, फिर भी मैं इस सवाल को हल करता हूँ, हालांकि मैं थोड़ी सी बता दूंगा तो आप हल कर लेंगे। दोस्तों इन सवालों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको यहाँ देखने को मिलती है दशमलव, लेकिन दोस्तों यहाँ दशमलव है तो सभी जगह केवल एक अंक के बाद ही है, यहाँ भी एक अंक बाद, यहाँ भी एक अंक बाद, यहाँ भी एक अंक बाद, यानी कि हर जगह केवल एक अंक के बाद है। लेकिन दोस्तों एक सिस्टम होता है, अगर किसी भी दशमलव वाले संख्या में अगर एक अंक के बाद दशमलव है तो उसमें 10 से गुणा करने पर दशमलव खत्म हो जाती है। तो एक काम ये करते हैं कि आप लिखिएगा कि समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में 10 से गुणा करने पर, यानी कि समीकरण 1 और 2 दोनों में आप 10 से गुणा कीजिएगा, क्योंकि आप दोनों में 10 से गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काम ये करेंगे कि अगर आप इसमें 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा केवल 2x और यहाँ पे केवल 3y और यहाँ पे केवल 13, यानी कि दशमलव खत्म हो जाएगी। अगर आप केवल लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अगर आपके अंदर समझदारी है तो अगर आप इसको भी नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से आप लिख करके और नीचे लिखेंगे 4x और प्लस में 5y बराबर 2.5, ये वाला है समीकरण 2। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नहीं लगेगा, केवल 25 होगा, तो इस तरह से आप यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे समीकरण 1 है 2x + 3y = 13, यानी कि 2x = 13 - 3y, यानी कि ये वाला प्लस था, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगी, इस तरह से x का मान हो जाएगा 13 - 3y / 2, यानी कि ये वाला 2 था गुणा में रहेगा तो बट्टा में, यहाँ से x का मान निकल गया। अब दोस्तों करना क्या है कि इस x का मान रखना है समीकरण 2 में, मैं यहाँ पे रखता हूँ, यानी कि ये वाला 4x + 5y
5y बराबर 25, यहाँ पे 4 अपने स्थान रहेगा और x का मान निकल चुका है 13 माइनस 3y बट्टा में 2 प्लस में 5y बराबर 25। दोस्तों इस वाले 2 से इसे काट सकते हैं, कुल मिला के 2 हो जाएगी। और ये वाला 2 कोष्टक के अंदर दोनों संख्याओं में गुणा करेगा तो जाएगा 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 25। इस तरह से प्लस माइनस घटता है, जब 6 में घटेगा 5 तो बचेगा केवल y, और माइनस में क्योंकि माइनस संख्या बड़ा है बराबर 25 माइनस में 26, यानी कि ये वाला 26 जाएगा तो माइनस जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाई बराबर माइनस वन बचेगा क्योंकि 26 से 25 घटेगी तो बचेगी 1, और चिन्ह उसका लिखते हैं जो बड़ा होता है, तो यहाँ 26 बड़ा है। और दोस्तों माइनस माइनस प्लस यानी कि वाई का मान हो जाएगा 1। अगर वाई का मान 1 पता हो गया तो अब यहाँ से वाई का मान इसमें रख देंगे तो क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पे 13 अपने स्थान पे माइनस 3y के स्थान पर 1 रखेंगे और बट्टा में 2 हो जाएगा, जब 13 माइनस 3 एकम 3 होगा बट्टा 2, 13 में घटेगा 3 तो 10 बचेगी बट्टा 2, यानी कि यहाँ से x का मान 5 निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों सवाल बहुत ही आसान भाषा में समझ में आई है, अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की और वीडियो मिलती रहे। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं।